फ्रेंड्स, जैसे हमने सुबह सुबह अपनी मुर्गी निकाली, तैसे ही हमारी मुर्गियों के पास हमारी मुर्गियों को पकड़ने के लिए एक जैकाल आता है और हमारी जो मुर्गियां हैं वो डर की वजह से भाग रही हैं और ये जैकाल आ रहा है हमारी मुर्गियों को पकड़ने और मैं जा रहा हूँ पत्थर लेकर इस जैकाल को मारने और ये मैंने इस जैकाल को मार के भगा भी दिया। तो दोस्तों, ऐसे दुश्मनों को भगाया जाता है और जैकाल फिर जब खेत में गया तो मेरे दादा ने भी उसे मार के भगा दिया और जैकाल बेचारा जाए तो कहा जाए, खेत से बाहर निकला चक्रोड में तो वहाँ पे हमारे कुत्ते न्यामी ने उसे खदेड़ दिया और माशाल्लाह से टमाटर फरे हुए हैं और टमाटर में बतिया आए हुए हैं। ये हमारे पपिस्ते का पेड़ है जिसमें फूल आए हुए हैं माशाल्लाह। ये हमारे आम का पेड़ है, ये हमारे यहाँ का व्यू कितना अच्छा है माशाल्लाह। सूरज भी निकला हुआ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और फिर जैकाल चला गया और फिर यहाँ पे कुछ जंगली फ्लेमिंगो आए, जंगली बगुले आए जिन्हें हम फ्लेमिंगो कहते हैं। ये खेत में पानी चला है तो ये अपना कीड़े कीट मछली खाने के लिए ये आए, ये जा रहे हैं। और फिर फ्लेमिंगो उड़ रहे हैं। उसके बाद हमने जैकाल को भगाने के बाद आए तो ये हमारा जो ब्लैक कॉक है, हमारा जो काला मुग्गा है, वो मेरे पास दौड़ के आया कि तुमने जैकाल को भगा दिया, अच्छा किया। और इसने अजान भी दिया कुकड़ुक्कू, माशाल्लाह से ये देखिए कितने तेज चेजी के साथ सब हमारे बच्चे मुर्गी के दौड़ते आ रहे हैं। जैसे ही जैकाल आया था ये जो सफ़ेद वाला बच्चा है इतना तेज चिल्ला के भागा था कि सभी को अलर्ट कर दिया था। यही हमारी मुर्गियों से फ़ायदा होता है, कोई भी जंगली जानवर या सांप या कुछ भी आता है तो हमारी मुर्गियां उसे अलर्ट कर देती हैं, खा लेती हैं। जैसे कि मैं एक दिन हमारे यहाँ पे घुड़क्राइच निकली हुई थी जिसको हम क्रेत कहते हैं, तो ये हमारे काले मुर्गे ने उसे खा लिया था। और एक दिन और दूसरा सांप निकला था जिसे ये हमारा रेड कलर का मुर्गा खा गया था। तो यही हमें इन मुर्गों और मुर्गियों से फ़ायदा होता है। और उसके बाद हमसे खाना मांग रही थी हमारी मुर्गियां, तो हमने सोचा अपनी मुर्गियों को कुछ चावल, पके चावल दे दें। तो मैं गया अपनी मुर्गियों के लिए चावल लाने और मैं चावल लेके आया। और ये हमारी मुर्गी का छोटा सा बच्चा है जिसे मैं मुन कह के बुलाता हूँ, ये बहुत प्यारा है, नन्हा मुन्ना है। इससे जब कैदर जयकाल आया है, सियार आया है, तो इतना टेन डर जाता है कि हंसी आप लोग नहीं रोक पाएंगे। और ये हमारे मुग्गे हैं, ये भी कम शरारती नहीं है। और ये हमारा मुग्गा है माशाल्लाह, रेड कलर। और सभी चुन रहे हैं हरे भरे खेत में मज़े के साथ। और ये हमारा खजूर का पेड़ है आम के पेड़ के पास, ये हमारा अमरूद का पेड़ है माशाल्लाह, फल आए हुए हैं अच्छे अच्छे मैं छोटे छोटे अमरूद के फल आए हुए हैं, उसमें बतिये लगे हुई हैं छोटी छोटी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है, रहमतें हैं, बरकतें हैं। और उसके बाद मैं गया भात चावल लेके आया जिसे मैंने अपनी मुर्गियों को दिया और ये इतने मज़े से खा रही हैं। यही हम पहले यही ये चावल मुझसे मांग रही थी, मैंने पहले बोला ये चावल मुझसे मांग रही थी कि तुम जाओ चावल लेके आओ, तो मैं चावल लेके लाया। पहले मैंने जैकाल को भगाया जो हमारी मुर्गियों को आया था पकड़ने, उसको मैंने मार के भगाया।
और फिर उसके बाद मैंने चावल लेकर आया, तो माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारी मुर्गियों ने खाकर चावल ख़त्म कर दिया है। तो आइए जी, अब हम हमारे जो ब्लैक मुर्गे हैं, देखिए किस तरह से चावल लेकर भाग रहे हैं कि कोई दूसरी मुर्गी या मुर्गा इनसे छीन ना ले। सभी मज़े कर रहे हैं, ये भी मज़े कर रहा है, हमारा मुनमुन भी उसी में दौड़ रहा है बच्चों के साथ। क्या करें, मुनमुन भी बोर होता हो जाता है घर में रह के बैठे बैठे। और वो हमारा जो छोटा मुर्गा है उसे सब दूर से दौड़ा दिए हैं, वो आता ही नहीं। और माशाल्लाह से हमारी लीची में फल आए हुए हैं, बतिये लगे हुए हैं। ये शाही लीची है, हमारे इलाके में ऐसी लीची कहीं भी नहीं है। और दोस्तों, ये ऐसी लीची है जो मुग़ल बादशाह खाया करते थे, अकबर खाया करते थे मुग़ल बादशाह, जिसे हम कहते हैं रॉयल लीची, शाही लीची। अभी दोस्तों इसमें छोटे छोटे बतिये आए हुए हैं, और आज है 28 मार्च अप्रैल। अनारकली का भी फेवरेट था ये शाही लीची, ये 20 मई से 30 मई तक रहती है शाही लीची। अनारकली को कभी देखे हो? और ये हमारे देसारी आम का पेड़ है, जो माशाल्लाह माशाल्लाह इतने आम आप फरे हुए हैं। और ये हमारा अमरूद का, और ये हमारा दूसरे आम का पेड़ है, हो सकता देसी आम का पेड़ है। हो सकता है तुम्हारी इस दशहरी को कौन ज्यादा सलीम खाया। हाँ, मेरे आम को तुम हल्के में ले रहे हो, मेरे आम को अडार कली, मेरे लीची को अकबर बादशाह, और मेरे जो देसारी आम हो उसको शहजादा सलीम खा के मेरे साथ खा के गया। तुम्हें हंसी आ रही है? मेरे ये आम है जो ये सब इन्हीं के साथ मैं खाया था, मेरी तारीफें कर रही थे, कह रहे थे कि कभी मौका मिलेगा तो फिर आऊँगा। अल्लाह ताला से इजाज़त लेंगे। तो दोस्तों, व्यू एकदम बढ़िया है हमारे यहाँ का लुक, और हमारी मुर्गियों ने चावल खा के ख़त्म कर दिया है। और इस खजूर के फल कौन खाए? खजूर का फल एक ही सफर खा के गए नहीं, और नहीं, खजूर एक ही पेड़ है हमारा खजूर का, तो वो फरता ही नहीं है। उसके लिए दो पेड़ चाहिए, नहीं तो अगर फरता तो बहादुर शाह जफर खा के जाते, जरूर खा के जाते। और ये हमारे सफेदे आम का पेड़ है। और उसके बाद दोस्तों, ये हमारे सैतूत का पेड़ है, और कटहल का पेड़ है बीच में, जो कि अभी फरा नहीं है, नहीं तो वो भी कोई बादशाह खा के चला जाता। जिसमें बेल, तुम्हें अभी नहीं पता बेल कौन खा के गया? नहीं, बेल औरंगजेब खा के गए थे। हाँ, मेरे हाथों से खाए थे। फ्रेंड्स, अगर ये फनी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना।